वारा सिवनी यूनियन बैंक में रुपए गिनने के बहाने जमाकर्ता के पास से 36,200 रुपए लेकर अज्ञात शख्स फरार हो गया। हालांकि बैंक के सीसीटीवी कैमरे में शख्स की हरकत कैद हो गई है, जो पहले ही जमाकर्ता की रैकी कर रहा था। घटना 21 जनवरी की दोपहर लगभग 2:30 बजे की है। जमाकर्ता आमाटोला कासपुर निवासी शिवलाल चौधरी के साथ यह वारदात उस समय घटी जब वह केसीसी के 1,36,200 रुपए बैंक में जमा करने आया था। कैशियर ने 1,500 रुपए का नोट कम होने की बात कहते हुए दोबारा राशि को गिनने को कहा, जिसके बाद भाभी झामेश्वरी ठाकरे के साथ रकम को शिवलाल चौधरी गिन रहा था। इसी दौरान पहले से बैंक में मौजूद शख्स उसके पास पहुंचा और रुपए गिनने की बात कहकर पास बैठ गया। शिवलाल चौधरी ने नोट गिनने दे दिया। इसी दौरान ध्यान भटकाकर अज्ञात शख्स 36,200 रुपए लेकर भाग गया। शिवलाल चौधरी ने देखा तो वह बाहर की ओर भागा, लेकिन तब तक युवक दूर जा चुका था। पीड़ित शिवलाल ने जानकारी बैंक मैनेजर और पुलिस को दी। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस पहुंची और बैंक की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। एक शख्स पीड़ित शिवलाल के बताए अनुसार नजर आया है, जिसके बाद पीड़ित की जानकारी और सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।